हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपको दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिली चिकन, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में फ्रेंड्स। और आपने कई बार बनाया होगा चिली चिकन, लेकिन आप मेरे तरीके से एक बार जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही जूसी और बहुत ही टेस्टी बना है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरी नई नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। आज हम बनाने जा रहे हैं चिली चिकन। ये मैंने लिया है 1 किलो चिकन, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। और ये मैंने लिया है 3 चम्मच दही है, वो भी सादी। इसमें हम इसे डालेंगे, दही को। नमक हम इसमें हल्का सा एकदम डालेंगे, ग्रेवी बनाएंगे उसमें भी नमक होगा, इसलिए हम इसमें हल्का नमक ऐड करेंगे। और ये देखिए, जरा सा हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे हाथों से। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसको हम तकरीबन 15 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे कढ़ाई में, और हम चिली चिकन रिफाइंड ऑयल से ही बनाएंगे, इसमें राई का तेल का इस्तेमाल नहीं होता है। ये देखिए, मैंने 2 चम्मच इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन को हमने दही के साथ 15 मिनट तक मैरिनेशन के लिए रख दिया था। देखिए, हम इसमें सारा चिकन ऐड कर देंगे और इसे मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे। इसे मैंने तेज आंच में 2-3 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, चिकन का जो पानी है ये देखिए नजर आने लगा है। और अब हम इसे ढक करके तकरीबन 10 से 15 मिनट इसे कुक करेंगे, ताकि अच्छे से इसमें पक जाए। इसको हम मीडियम आंच पे कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले हम इसमें हल्का हल्का कट लगा लेंगे टमाटर में। इसमें मैं 2 टमाटर ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो 3 भी डाल सकते हैं। ये मैंने भी इसे कट कर लिया है। इसे हमें अच्छे से पकाना नहीं है, सिर्फ जो इसमें का ऊपर का चमड़ा है फ्रेंड्स, बस वो निकल जाए। इसे हम थोड़ा सा गैस में भूनेंगे, इसे हमें पकाना नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम अलट पलट लेंगे, ताकि जो इसकी स्किन है ऊपर की, इसे हम निकाल देंगे। बस बस अब हम इसे बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने कट लगा दिया था, कितनी आसानी से इसका जो स्किन है निकल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी आसानी से जो इसका स्किन है निकल गया है। और अब हम इसे छील के रख लेंगे। जो चिकन है ये अच्छे से कुक हो रहा है, इसको हमें इसमें अच्छे से कुक कर लेना है मीडियम आंच पे। इसे हम ढक करके 10 से 15 मिनट फिर कुक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जब तक हमारा चिकन जो है कुक हो रहा है, हम तैयारी कर लेंगे ग्रेवी की। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 3 शिमला मिर्च ली है और 3 टमाटर लिया हुआ है, और 10 से 15 हरी मिर्च ली है, और ये मैंने 4 मीडियम साइज की प्याज ली है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे कट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम ये देखिए फ्रेंड्स, इसे इस तरह से निकाल लेंगे हम। इसे निकाल लेंगे, बीच का जो हिस्सा है इसे हमें निकाल देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसका बीज निकाल लिए हैं और अब हम इसे कट करेंगे। इसे हमें बड़े आकार में ही कट करना है। ये देखिए, ये इतना बड़ा बड़ा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने बीज से कट कर लिया था, और इसे अब हम बीज से कट कर लेंगे प्याज को। और हम इसे बड़ी बड़ी ही रखेंगे, ये इस तरह से इसे अलग अलग निकाल लेंगे हम। ये
ये देखिए इस तरह से सारी प्याज को हम बड़े साइज में कट करेंगे। अब हम गैस को तेज कर देंगे और इसे अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे चिकन को। ये देखिए जिसमें का पानी है वो खत्म हो गया। अब हम इसे तेज करके हल्का गोल्डन होने तक चिकन को फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड जो चिकन है इस तरह से हल्का हल्का गोल्डन हो रहा है। हम इसे हल्के से इसे चलाएंगे नहीं चीज फूट जाएगी। ये इस तरह से गुलाबी होने देंगे। ये इस तरह से ये देखिए चिकन जो है अच्छे से हल्का गोल्डन हो गया। अब हम इसे बंद कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने छोटी प्याज है तीन, अगर बड़ी है तो आप दो लीजिएगा। और ये अदरक का टुकड़ा है थोड़ा सा, और ये एक पोटी लहसुन है। ये जो मैंने टमाटर लिया था जिसका हम छिलका उतार लिए थे, ये इन सबको हम फाइन पेस्ट बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स हम अदरक को कट कर लेंगे और इसमें लहसुन भी ऐड कर देंगे। प्याज को हम इसमें कट करके डालेंगे और ये टमाटर को भी इसमें कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स अब हम चिकन को निकाल लेंगे एक बाउल में। ये देखिए इसे हमें हल्का गुलाबी फ्राई करना है। अगर हम ज्यादा डीप फ्राई करेंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड जो हमने टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था, अब हम ये चिकन में ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स अब हम इसमें भुना हुआ जीरा है जिसे मैंने इसका पाउडर बना लिया है, एक चम्मच इसमें ऐड करेंगे। आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। ये देखिए फ्रेंड्स अब मैं इसमें 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूंगी कलर के लिए, ताकि इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स अब हम इसमें 2 चम्मच मैंने इसमें सोया सॉस डाला है। ये देखिए फ्रेंड्स मैं इसमें 3 चम्मच मैंने इसमें टमाटर सॉस डाला है। ये देखिए फ्रेंड्स ये मैं इसमें 2 ढक्कन विनेगर डालूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें 2 चम्मच सोया सॉस डाला है और 3 चम्मच मैंने इसमें टमाटर सॉस ऐड किया है और 2 ढक्कन मैंने इसमें डाला है विनेगर। और अब हम इसे मिक्स करेंगे और 20 मिनट के लिए इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हम हरी मिर्च को बीच से इस तरह से लंबे आकार में कट कर लेंगे सारी हरी मिर्च को। अगर मिर्च आपकी तीखी है तो आप कम इस्तेमाल करिएगा, और अगर कम तीखी है तो आप 10 से 12 डालिए। और अगर आप बच्चों के लिए से बना रहे हैं तो आप उसी हिसाब से बनाइए, बच्चे वैसे ये रेसिपी बहुत पसंद करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स अब हम टमाटर को बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे। ये देखिए ये देखिए फ्रेंड्स धनिया पत्ती आप इसमें अगर आपके पास है तो इसे जरूर डालिएगा। ये हम ग्रेवी में डालेंगे, इससे जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आएगा चिली चिकन का। देखिए फ्रेंड्स मैं इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लूंगी और अब हम इसमें पानी डाल के आप ठंडे पानी से इसे घोलिएगा। इसे हम ग्रेवी में यूज करेंगे लास्ट में। इसको मैं घोल करके रख दूंगी, पहले से हम तैयारी कर लेंगे तो हमें बनाने में आसानी हो जाएगी। ये देखिए इसे मैं साइड में रख दूंगी। ये देखिए मैंने ये मैंने लिया है टमाटर सॉस 1 कप। देखिए फ्रेंड्स मैंने 2 चम्मच सोया सॉस लिया है। चलिए अब हम इसे बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने रिफाइंड ऑयल जिसमें से चिकन फ्राई किया था उसे भी ले लिया है इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स इसमें मैं 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल और डालूंगी। इसमें सिर्फ हम रिफाइंड ऑयल ही डालेंगे, इसमें राई के तेल से ये नहीं बनता है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स तेल को हम गर्म कर लेंगे। जितना भी चाइनीज आइटम बनता है
वो रिफाइंड ऑयल से ही बनता है, आप बटर से भी बना सकते हैं, राई का तेल उसमें नहीं पड़ता है चाइनीज आइटम में। और हमें जितने भी वेजिटेबल हैं इसे हमें तेज आंच में ही फ्राई करना होगा। ये देखिए, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे वरना प्याज जो है गल जाएगी। इसे हम तेज फ्लेम में ही सारी वेजिटेबल फ्राई करेंगे। हल्का सा सॉटे कर लिया, अब इसमें शिमला मिर्च ऐड करूंगी और गैस को हमें तेज ही रखना होगा, हमें इसे पकाना नहीं है, हल्का से इसे सॉफ्ट होने तक ही फ्राई करना है। इसमें मैं हरी मिर्च ऐड कर दूंगी, ये देख सकते हैं इसे हमने तेज आंच में फ्राई कर लिया है, इसे हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना है। और अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, इतना आप सबसे मेन इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि आपको इसे तेज फ्लेम में ही फ्राई करना है, वरना ये जो शिमला मिर्च है और प्याज है जो इसमें घुल जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से इसमें सॉफ्ट हो गई है सारी वेजिटेबल। और अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे, और अब मैं इसमें धनिया की पत्ती भी ऐड कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें चिकन को ऐड कर दिए और इसे हल्का सा फ्राई करेंगे इसी के साथ। जो चिकन है वो वेजिटेबल के साथ अच्छे से फ्राई हो रहा है, इसे हमें 2-3 मिनट इसके साथ फ्राई करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें नमक एकदम जरा सा डालूंगी क्योंकि जो हमने सोया सॉस विनेगर वगैरह यूज किया उसमें ऑलरेडी नमक होता है, तो नमक ज्यादा हो जाएगा इसलिए हम एकदम हल्का सा नमक डालेंगे। देखिए इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। मसालों को अच्छे से भूनेंगे हमें इसे तकरीबन 10 मिनट फ्रेंड्स, इसे तकरीबन हमें 10 मिनट अच्छे से मीडियम आंच पर फ्राई करना है ताकि मसाला अच्छे से भून जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला जो है अच्छे से भून गया है। 2 चम्मच सोया सॉस इसमें ऐड कर देंगे जो हमने लिया था, और ये 1 कप जो हमने टमाटर सॉस लिया हुआ था इसे भी ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पानी को खौला लिया था, गरम कर लिया था, अब हम इसमें गरम पानी ऐड करेंगे। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए, अगर आप ऐसे ही खाना चाहते हैं तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं। मैं इसमें हल्का सा ग्रेवी करूंगी, ना ज्यादा गाढ़ा हो ना ज्यादा पतला हो, क्योंकि हम इसे रोटियों के साथ खाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमने कॉर्नफ्लोर लिया हुआ था इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। और अब हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है तो हमें इसे चलाना होगा, उससे जो इसकी ग्रेवी है उसमें थिकनेस आ जाएगी। आपको जितना गाढ़ा चाहिए पतला चाहिए आप उस तरह से ग्रेवी को रख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना यमी बना है, इसे अब हम सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, चिली चिकन रेडी है जो कि बहुत ही यमी बना है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को मेरे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए।